दरम्यान इम्रान खान यांना अटक होण्यापूर्वी त्यांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली होती ती आपण पाहू। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं, 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है और इसके साथ कौन है वो भी कौम सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया मैं अपना FIR नहीं कटवा सका। पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती है, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती, अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पर रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे, कौन इतना ताकतवर था। उसके बाद जब दरम्यान ज्या तोशाखाना प्रकरणी इम्रान खान यांना अटक झाले ते प्रकरण नेमकं काय आहे पाहूयात। तोशाखाना म्हणजे कोषागार किंवा भांडार हा पाकिस्तानच्या कॅबिनेट अंतर्गत येणारा एक विभाग आहे। मंत्री खासदार अधिकारी किंवा इतर सरकारी पदावरच्या व्यक्तींना मिळालेल्या महागड्या भेटवस्तूंची जबाबदारी या विभागाकडे असते आणि यात प्रामुख्याने इतर देशातल्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या भेटवस्तूंचा समावेश असतो। इम्रान खान यांनी भेटवस्तू म्हणून मिळालेल्या काही घड्याळांची माहिती तोशाखानाला कळवली नाही आणि पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन काउन्सिलने त्याविषयी विचारणा केल्यावरही त्यांनी ही माहिती लपवली असा आरोप आहे। इम्रान यांनी ही घड्याळ विकून 3.6 कोटी डॉलर्सची कमाई केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे।